हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली गर्ग, वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नीड्स ऑफ एनर्जी। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में एनर्जी की क्या क्या नीड्स होती हैं। गाइस, साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं व्हाई एनिमल नीड्स मोर एनर्जी। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स में कंपेयर करते हैं तो गाइस, एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है एज कंपैरिजन टू प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हमारी बॉडी के सेल्स यूज करते हैं वैरायटीज ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो गाइस, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, वो एनर्जी वैरायटीज ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, एनर्जी कहाँ कहाँ पर यूज करी जाती है। फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एन अमीनो एसिड। गाइस, अमीनो एसिड से प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही जो एनर्जी होती है ये यूज करी जाती है अमीनो एसिड से प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, देन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। गाइस, एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो गाइस, ये जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, ये एंजाइम एनर्जी की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। तो एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फॉर मूवमेंट। गाइस, जो हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जब हम मूव करते हैं, तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बहुत वीक फील करते हैं तो हमारा मन नहीं करता कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, है ना। बट गाइस, जब हम फूड खाते हैं और हमें जब एनर्जी मिलती है तो हम फटाफट हर एक काम कर सकते हैं, हम बहुत सारे मूवमेंट कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि गाइस, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एनर्जी मिलती है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही मिलती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ नर्व सेल। गाइस, हमारी बॉडी में जैसे कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो गाइस, नर्व्स में नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गाइस, इन नर्व सेल्स के अंदर इम्पल्स कैरी आउट होता है, जो मैसेज होता है वो ट्रांसफर होता है। तो गाइस, इम्पल्स को कैरी आउट करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल बाय सेल डिवीजन। गाइस, जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन होता है। तो जो नए सेल प्रोड्यूस होते हैं, नए सेल के प्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो सेल डिवीजन होता है, एक सेल से जो दूसरा सेल बनता है, मतलब जो एक सेल है वो डिवाइड करके दो सेल अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं, तो गाइस, इसको सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देन लास्ट, इन कीपिंग द बॉडी वार्म। गाइस, हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो गाइस, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हो गई एनर्जी की। तो इस वजह से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गाइस, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, गाइस, याद रखिएगा इसको एंड इसको नोट कर लीजिए। गाइस, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपैरिजन टू प्लांट्स, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट गाइस, जो प्लांट होते हैं वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गाइस, जो एनिमल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फूड की सर्च में, या एनिमी से एस्केप करने के लिए, एंड फूड को च्यू भी
नहीं करते हैं। अब जो प्लांट हैं वो फूड को च्यू नहीं करते, बट जो एनिमल्स हैं वो फूड को च्यू करते हैं। तो गाइस फूड को च्यू करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही में जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस की केयर करते हैं, उनको देखते हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कंपेरिजन टू प्लांट्स। ठीक है, तो गाइस देखिए एनिमल्स को क्यों ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बिकॉज दे हैव टू मूव अबाउट, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं, फूड के सर्च में मूव करते हैं, या फिर एनिमीज से एस्केप होने के लिए ये मूव करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट दे हैव टू च्यू देयर फूड। गाइस जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स फूड को च्यू करते हैं, तो फूड को च्यू करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट दे हैव टू लुक आफ्टर देयर एग्स और यंग वंस। गाइस जो एनिमल्स होते हैं वो अपने एग्स की केयर करते हैं, या फिर डायरेक्टली जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनकी केयर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी एनर्जी की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है। गाइस अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में भी बर्ड्स एंड मैमल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेरिजन टू पीसेस एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स। क्योंकि गाइस जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब अपने बॉडी का जो इनका टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो मेंटेन रहता है, आउटसाइड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चाहे कितना भी गर्म हो, चाहे कितना भी ठंडा हो, बट बर्ड्स एंड मैमल्स का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है। इस वजह से ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो गाइस जो बर्ड्स होती हैं, जो मैमल्स होते हैं, इन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है गाइस, आप लोगों ने देखा होगा विंटर सीजन में शिवरिंग होती है, क्लैटरिंग ऑफ टीथ होती है। तो गाइस जो शिवरिंग होती है, जो टीथ की क्लैटरिंग होती है, उसमें फिजिकल प्रोसेस होता है, मतलब मसल्स की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। गाइस मसल्स की जब एक्टिविटीज होती हैं तो उससे हीट का प्रोडक्शन होता है, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। और गाइस समर सीजन की अगर हम बात करते हैं, तो समर सीजन में परस्पिरेशन होता है, स्वेटिंग होती है, तो जो स्वेट निकलता है, स्वेट जब इवेपोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट आता है, ताकि फिर से जो समर सीजन है उसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या रह सके, मेंटेन रह सके। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि एनिमल्स में भी अगर हम बात करें तो बर्ड्स एंड मैमल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेरिजन टू पीसेस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है गाइस, ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलती है। ठीक है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तभी एनर्जी मिलती है। अब मान के चलिए कि कुछ एनिमल्स की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम है, क्योंकि गाइस जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब मान के चलिए कि कुछ एनिमल्स की डाइट में कार्बोहाइड्रेट वो कम लेते हैं, बट उनकी प्रोटीन डाइट ज़्यादा होती है। जैसे कि फ्लैश ईटर्स जो होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं एनिमल्स, उनमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है बट उनकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा जाता है। तो अब क्या होगा, क्या ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम जाता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता गाइस। अगर प्रोटीन रिच डाइट होती है तो जो प्रोटीन्स होते हैं ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमीनो एसिड। ठीक है, अब अगर ग्लूकोज कम है बॉडी में, ठीक है, तो गाइस क्या होगा, ये जो अमीनो एसिड है ये लिवर में जाकर ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, और गाइस ये जो ग्लूकोज होता है ये अगेन ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कार्बोहाइड्रेट कम है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन से ही एनर्जी रिलीज होती है, बट अगर किसी एनिमल की डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम है, प्रोटीन ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है, तो गाइस जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, दोबारा ये जो अमीनो एसिड होता है फर्दर लिवर में जाके ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, और देन यही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे ही अगर प्रोटीन की भी कमी हो जाती है तो जो फैट होता है, अगेन फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और देन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा,
एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।